हमें हेल्दी रहने के लिए या फिर फिट रहने के लिए नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ हमें तीन न्यूट्रिशन जो है ना वो हमें जरूरी होता है। न्यूट्रिशन में तीन चीजें जो है वो जरूरी होते हैं, जिसमें होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, राइट। तो अगर हम 30% प्रोटीन लेते हैं तो 30% हमें इसेंशियल फैट्स होना जरूरी है, और उसके साथ साथ 40% जो है हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होना जरूरी है। ओके, अभी ये 40% में कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर की मात्रा होनी जरूरी होती है, और वो फाइबर जो है वो 25 ग्राम से 42% ग्राम होना जरूरी है। ओके, अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या वो थोड़ा जान लेते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, उससे। पार्टिकल्स अभी तो ये बेसिकली शुगर फॉर्म में होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी ये हमें क्या बेनिफिशियल है, तो बेसिकली हमें एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। एनर्जी का मेन जो सोर्स होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से आ जाता है, और बेसिकली हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता ही होता है। ऐसे नहीं कि कोई चीज पूरी कंप्लीटली प्रोटीन ही है या कोई कंप्लीटली फैट ही है, खाने की चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, जैसे कि हमारा मैदा है, शुगर है, राइस है और गेहूं है, ठीक है। तो ये जो है चीजें ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। अभी ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करता है बेसिकली, अगर हम लेते हैं तो ये जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है वो काफी हद तक इंक्रीज करता है, और हमारे बॉडी में जो है ये इसमें बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ओके, अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, सो बेसिकली हमारे एवरी फूड को जो है ना एक मात्रा में ये किया गया है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। जैसे एग्जांपल जो डायबिटिक वाले होते हैं ना उनको हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होते हैं वो मना करते हैं देने के लिए, तो उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो मना किया जाता है। और दूसरा प्रोसेस फूड जो होते हैं ना उसमें काफी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी है, बेसिकली वो सपोर्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें वो हेल्प करता है। फिर क्या है, फिर हमें एनर्जी और हमारा स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी हमें हेल्प करता है। ओके, और जैसे मैंने कहा ये फाइबर फॉर्म में अगर हो तो काफी बेहतर होता है। तो आज मैं फाइबर के बारे में बात नहीं करूंगा, फाइबर जो टॉपिक है वो भी काफी बड़ा है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है। मैंने बताया आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। अभी ये जो है हमारे खाने से ही आ जाते हैं, राइट। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो हमारे खाने में जो भी मिल रहा है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, या किसी किसी खाने में ज्यादा मिल रहा है या किसी खाने में कम मिल रहा है। तो हमें प्रॉपर खाना मिलना क्या संतुलित आहार जो है वो मिलना जरूरी होता है। तो फाइबर अगर हम लेते हैं जैसे एग्जांपल होल ग्रेन ब्रेड या होल पास्ता, ओट्स, बीन्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो हम लेते हैं ना वो कभी कभी हाई मात्रा में भी हो जाता है। तो हाई मात्रा में हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका ग्लूकोज बन के वो एज अ फैट जमा हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, वो क्या है, हमारा शेक जो है ना वो शेक में 40% कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम शेक लेते हैं तो वो शेक के थ्रू हमें बैलेंस जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आप शेक जो है वो शुरू करके आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
और अगर आपको उसी में अगर फाइबर चाहिए, जो मैंने फाइबर की बात की, तो फाइबर के लिए आप हमारे पास एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट्स है या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, तो आप अभी हमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।